चल जारी है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। फ्रंटलाइन वॉरियर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी अपना दायित्व निभाने में ईमानदारी से जुटे हैं, लेकिन संकट के इस समय में भी कुछ लोग लूट खसोट में जुटे हैं, मौके का फायदा उठाकर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने कुछ प्राइवेट अस्पतालों को जैसे कमाई का बढ़िया मौका दे दिया है। इस राष्ट्रीय आपदा के समय लोगों की सेवा के बजाय तिजोरी भरना इनका मकसद बन गया है। कोरोना से पीड़ित मरीजों को मोटा बिल थमाया जा रहा है। साउथ दिल्ली के रहने वाले राम स्वरूप चौधरी का कोरोना टेस्ट जब पॉजिटिव आया तो वो 5 तारीख को अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट हुए, क्योंकि उनकी पत्नी का टेस्ट भी पॉजिटिव था। 14 तारीख को जब डिस्चार्ज हुए तो अस्पताल ने इन्हें 4 लाख से ज्यादा का बिल थमा दिया। जबकि ट्रीटमेंट के दौरान इनकी हालत ना तो कभी क्रिटिकल हुई, ना इन्हें आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट चला, कोई वेंटिलेटर नहीं था, किसी तरह की कोई ऑक्सीजन कोई और कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने मुझे कल डिस्चार्ज किया तो मुझे कहा कि आप पेमेंट जमा कराइए, बिलिंग से 4,29,000 रुपये का बिल मेरे पास भेज दिया गया। 4,29,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है, जो एक्स्ट्रा केयर कुछ नहीं थी, 10 दिन का होगी। अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के चलते आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा तो ये आपकी भूल है। रामस्वरूप चौधरी को भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी दिन भर पति पत्नी को बंधक बनाकर रखा गया, क्योंकि रामस्वरूप चौधरी का इंश्योरेंस क्लेम जानबूझकर ठीक से प्रोसेस नहीं किया जा रहा था। वजह ये थी कि हॉस्पिटल नकद पेमेंट चाहता था। मैंने इनको भेजा कि आपसे बार बार इंश्योरेंस कंपनी इन्फॉर्मेशन मांग रही है, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बार बार इंश्योरेंस कंपनी को जो मिसगाइड कर रही है, चाहते थे कैश पेमेंट दिया जाए, किसी भी तरीके से इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं और कैश पेमेंट दिया, बार बार इसलिए प्रेसराइज कर रहे थे। इस तरह से करते करते दिन भर कल इन्होंने मेरे को बंधक बना के रखा, और मैं जब वार्ड से बराबर इनके साथ जो इंटरेक्शन करता रहा, मेरी तबीयत भी खराब होगी, और तब जाके कल रात को 9 बजे 3 लाख रुपए का मेरा क्लेम SBI जनरल से प्रोसेस हुआ और 1,29,000 रुपये नकद देके तब हम से निकले।